फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे गीदरा व्लॉग में दिल से स्वागत करती हूं और मैं अभी व्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही हूं सुबह के 8 बजे से। आज हम लोग हमें आज जाना था सेकंड पड़ाव, बट बारिश होने के कारण हम लोग नहीं गए, तो आज हम यहीं रुकेंगे। फिर कल जाएंगे हम सेकंड पड़ाव, परसों हम रालम पहुँच जाएंगे। तो आज की जो भी एक्टिविटी होगी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सब आप लोग को शेयर करेंगे। तो चलो आज की ब्लॉगिंग स्टार्टिंग करते हैं। तो हम आज यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, बारिश होने के कारण हम लोग नहीं गए आज। और यहाँ पे चाचू बना रहे खाना, हम निकलेंगे कल क्योंकि सुबह सुबह बारिश हो गई बहुत तेज, तो हम लोग गए नहीं। अब हम कल मॉर्निंग में निकलेंगे वहाँ। तो अभी ये दिन का खाना बन रहा है, यहाँ पर चाचू बना रहे हैं सूखा मीट। चाय पी रहे हैं मामू, बड़े मामू भी चाय पी रहे हैं, चाचू खाना बना रहे हैं और ये है हमारा टेंट। हाय मटन, मटन सूखा मिर्च के साथ बन रहा है आलू, और यहाँ पे है टमाटर, है क्या है मिर्च सूखा मिर्च, मजा ही आ जाएगा आज। ये है हमारे सबसे छोटे मामा जी, चाय पी रहे एंजॉय कर रहे हैं, एक महीने की छुट्टी आए हैं एंजॉय करके आएंगे इस बार आलम से। ग्लेशियर भी घूम के आओगे मामू, ग्लेशियर घूम के आओगे? हाँ बिल्कुल, ट्रैकिंग सही बताओ इस बार। हाँ नहीं तो बनाएंगे प्लान जाने का, घूम के आएंगे इस बार। ये है सूखा मीट। आज बन रहा है छत्तीसा आलू एंड मिर्ची, मसाला कितना मस्त लग रहा है, ये मसाले के साथ ही खा सकते हैं रोटी। नमक ज्यादा ज्यादा ही डाल दो नमक। दो पीस सबके लिए हो जाएगा। हमारी फैमिली खाना बन गया है, धूप आ गई है, हमारे बाप ऊपर वाल से ना या सिंगल दिलो ये मूल सिंगल हुआ है।
है डालमकर नदी, जहाँ से हम जाएंगे इधर से। और ये रालम की नदी है, ग्लेशियर से पानी निकल के आता है। हमें जाना है इधर। अभी पापा जा रहे हैं बकरी चढ़ाने के लिए। शाम के लिए डिनर बन रहा है हमारे यहाँ पे। रोटी, सब्जी, दाल, लंगड़ा की सब्जी। यहाँ पे हमारी पुनी हाथ धो रही है, अभी खाना बना के आई है। साबुनी नहीं है, राख ही राख है। राख से हाथ धोते हम तो। ये पहाड़ में साबुनी नहीं मिलता है, ये राख स्पेशल राख से हाथ धो रहा है। बुट्टा बुट्टी लोग आजकल के जवान जवान लोग तो क्या क्या से मुख धोता है, अंदर साबुनी नहीं पाता है। तो दोस्तों हम लोग अभी डिनर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा खाना बनना है और मैं हूँ रेस्ट 5 दिन तक। तो 5 दिन तक मैं खाना नहीं बनाऊंगी, उसके बाद बनाऊंगी, तो आप लोग समझ जाना। फिलहाल मम्मी लोग रोटी बना रहे हैं, उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी कल से। चीची पहने तो दादा ने ना काय कोई पिला रही है। अच्छा कहा कितना क्यूट है ये। ये है शाम का नजारा, यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। फिर हम निकलेंगे कल को। रोटी बन रही है, सब्जी बन रही है। यहाँ पे है मम्मी लोग, मौसी लोग, मामा लोग खाना खा रहे हैं। मौसी रोटी बना रही है। बाल सफेद हो गए मेरे बोले का। सफेद नहीं हो गए, वाइट हो गए राख से। सफेद तो वाइट ही तो होता है, हिंदी में सफेद ही होता है। राख हो गया, राख छार छार जो बोलते हो। यहीं पे हम लोग इसका हालत देखो कैसा हो गया। सेम सेम अभी फोकस को अंदर नहीं लेने ये लगा दे बहुत सेम मुझे। हां वो मैं भी ला लूं पर हाथ तेरा फोन आ रहा है। मंटो भैया खाना खा रहे हैं और खाना खा रही है। इतना बड़ा बड़ा रोटी हाथ में पकड़ा हुआ है। कैसा हो रहा है खाना? पालक का चमा कैसा है? आप क्या खा रहे हो? फ्रैंकी फ्रैंकी खा रहा है। फ्रैंकी सब्जी और बिच्छू का चमा। मंटू भैया फ्रैंकी खा रहे हैं। फ्रैंकी खाली लेके आ रहा है। ओ देखो मंटू भैया क्या खा रहे हैं। बच्चा आ गया। तो दोस्तों हम लोग खाना खा के बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद अब हम लोग जाएंगे पानी लेने के लिए, बर्तन धोने के लिए, और उसके बाद सो जाएंगे। टाइम भी बहुत हो गया है 5:30, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ों में जल्दी खाना जल्दी सोना ज़्यादा
पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। और आज की ब्लॉगिंग भी यहीं पे एंड करती हूँ और बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। और साथ साथ ही आई होप आप लोग को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।